हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनिलास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी दिलो जान से पढ़ रहे हैं, सभी बहुत मेहनत से पढ़ रहे हैं, क्योंकि 14 क्वेश्चन पे अपन आ गए हैं। बहुत 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 ज़्यादा आपने मेहनत करी, मैं यकीन कह रहा हूं आप सब ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है। आप सबका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाने वाला है, क्योंकि 14 क्वेश्चन तक आना मेरे साथ इज़ नॉट मतलब सिंपल डील तो है ही नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें आपकी एफर्ट लगी होगी, बहुत ज़्यादा मेरे को कॉन्सेंट्रेशन से सुनना पड़ा होगा, क्योंकि बहुत लेंदी और एक तरीके से थ्योरिटिक सब्जेक्ट अपना है। लेकिन कल का पेपर काफी अच्छा जाएगा और स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है, याद रखना स्कोरिंग सब्जेक्ट में से एक आता है ये हमेशा। 14 लास्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्या कहने की कोशिश कर रहा है, और कमेंट करके भी बताना कि जो 14 की सीरीज रही आपको समझ में आया नहीं आया, कैसा समझ में आया, कैसा लगा आपको साथ। मुझे पता है लेट हो गए, थोड़ा गुस्सा होंगे तो, लेकिन थोड़े से अच्छे कमेंट कर देना, थोड़ा हमें भी अच्छा लगे, हमारी टीम को भी अच्छा लगे, है ना। तो एक बार कमेंट करके बताना कि आपको समझ में आया नहीं आया, एक फील फ्री आपका 14 लास्ट में मैं हमेशा कमेंट आपसे मांगता ही हूँ, तो आप बताइएगा कि कैसा लगा आपको, है ना। 14 क्वेश्चन देख लेते हैं। टेक्नोलॉजी का पार्टिसिपेशन चेंज इन द कॉर्पोरेट कल्चर एग्जांपल द क्वालिटी इंप्रूवमेंट, यानी कि क्वालिटी के अंदर एक पॉइंट कहा गया एग्जांपल, ये एक बेसिकली सिलेबस से पॉइंट का एज इट इज है हमारा। इसका क्वेश्चन इस तरीके से आने वाला है कि टेक्नोलॉजी जो इंप्रूव हुई है इसको क्रॉस बॉर्डर कल्चर में या क्रॉस बॉर्डर मैनेजमेंट में या करंट सिनेरियो में क्या हेल्प हुई है, जिससे आपका जो कल्चरल डिफरेंस है वो क्या कम हो गया है, क्या कंपनी को क्या फ़ायदा हो रहा है, जो कुछ कुल मिला के आपको टेक्नोलॉजी के पॉइंट से कोई एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये क्या कह रहा है कि जो टेक्नोलॉजी का पार्टिसिपेशन है उससे क्या इंप्रूवमेंट आएगा, इससे आपकी जो ट्रेडिशनल अप्रोच थी उसमें इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, जो मॉडर्न अप्रोच है उसमें टेक्नोलॉजी, इससे एक्यूरेसी बढ़ती है, रिस्क कम होती है, कॉस्ट कम होती है, और एम्प्लॉई के एक्यूरेट रिजल्ट मिल पाते हैं, जिससे हम परफॉर्मेंस इवोल्यूशन करेक्ट हो पाता है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है, बजटेड कंट्रोल होता है, सस्टेनेबल ग्रोथ होती है, यही सारे प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए हमारे पास डेटा होता है, ओनरशिप बढ़ती है, एम्पावरमेंट होते हैं, मोटिवेट होते हैं, और TOC टेक्निक से हम कैसे यूज़ करते हैं, डेटा गैदर करेंगे, एनालाइज करेंगे, रिजल्ट आएगा, इंटरप्रिटेट होगा और उसका फीडबैक लिया जाएगा और अगेन कंट्रोलिंग एक्टिविटी करी जाएगी। वही मेथड है, यही कि मैंने सारे के सारे आपको समझा दिए, ठीक है। आइडेंटिफाई इशू, एनालिस, सॉल्यूशन डेवलप करना, इंप्लीमेंट करना और फिर से उसका रेक्टिफिकेशन के वर्क करना। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि टेक्नोलॉजी का कल बिजनेस में क्या हेल्प है। अब वो इंटरनेशनल बिजनेस आ जाए, क्रॉस बॉर्डर बिजनेस आ जाए, क्रॉस कल्चर बिजनेस आ जाए, क्रॉस कल्चरल डिफरेंशिएशन आ जाए सब के अंदर, या कॉर्पोरेट कल्चर आ जाए सब के अंदर, यही पॉइंट्स आपको लिखना है। इसलिए मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जल्दी इसका PDF भी टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मिल जाएगा, तो वहाँ से आप ये PDF भी ले सकते हैं। और कैसा रहा आपका मेरा साथ, जल्दी कमेंट करके बताइए। जय हिंद।